गाइस, तो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम करता हूं आप सभी का व्यूज ऑफ यू पे, जहां के आपके व्यूज बनेंगे हमारे न्यूज और इस न्यूज से रूबरू होंगे आप सभी। तो गाइस, आज है 16 नवंबर 2021 और 16 नवंबर 2021 तक जितने भी करंट इकोनॉमिक अफेयर्स और बिजनेस अफेयर्स हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, लेट्स मूव इट ऑन। द फर्स्ट अपडेट कम्स रिगार्डिंग और इकोनॉमिक डील 16/2021, या जो पहला खबर निकल के आता है हमारे अर्थव्यवस्था के संबंध में 16 नवंबर 2021 तक का, वो ये है कि SBI की एक रिपोर्ट में आया है कि जो भारत देश के भारत की जनता है इस समय कोविड सिचुएशन के दौरान में पैसे को सेव कर रही है, बचा रही है, ठीक है, सेव कर रही है, सेविंग्स बढ़ा दिया गया है, इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया गया है। बेसिकली ये जो सेविंग्स है ये हाथ वाला सेविंग है, मतलब हाथ में पैसा रखा जा रहा है, जेब में पैसा रखा जा रहा है, ना कि कहीं इन्वेस्ट किया जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि अभी देखा है आपने हाल ही फिलहाल में लॉकडाउन जैसे सिचुएशंस आ गए थे, COVID-19 सिचुएशन, इस पेंडेमिक के सिचुएशन में बहुत सारे लॉकडाउन लगे, तो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए लोग कैश होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि पीपल होल्डिंग कैश फॉर इमरजेंसी रादर देन ट्रांजेक्शन, यानी कि लेन देन के बजाय लोग पैसे बचा के रख रहे हैं ताकि भविष्य में अगर कोई बुरी स्थिति आई तो उससे हम लोग इस पैसे की मदद से लड़ सकते हैं, या फिर इस उससे हमें कोई असर, खासा असर नहीं पड़ेगा हमारे पैसे पर या फिर मेरे हमारे हाथ पर। ये नहीं कि भाई अब इमरजेंसी लग गया, लॉकडाउन लग गया, भाई बैंक बंद हो गया, हम पैसे कहाँ से लेके आए। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए लोग जो है, जनता जो है भारत की, वो पैसे यानी कि कैश होल्ड कर रही है विदाउट बी इंस्टेड ऑफ ट्रांजेक्शन के बजाय पैसा होल्ड किया जा रहा है, कैश होल्ड किया जा रहा है भारत की जनता द्वारा। तो एक अच्छा चीज़ है, कोई खराब चीज़ नहीं है, बट इसका इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ रहा है। कहने का मतलब है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, जैसे कि हम लोगों ने 11th में पढ़ा था माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, जो चीज़ छोटे लेवल पर सही है वो जरूरी नहीं है कि बड़े लेवल पर सही हो। मतलब हम लोग बचत अगर करते हैं, एक इंडिविजुअल बचत करता है तो उसके लिए वो चीज़ सही है, लेकिन पूरा देश बचत करने लगे तो वो सही नहीं है। तो वही चीज़ है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, हमारे लिए सही है बट इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। तो एक बड़ा अपडेट निकल के आता है टिल 16/2021 या 16/2021 तक का हमारे अर्थव्यवस्था के संबंध में। सो गाइस, टिल देन स्प्रेड पॉजिटिविटी टू बिकम पॉजिटिव, बिकॉज योर पॉजिटिव माइंड इज द ग्रेटेस्ट वेपन टू विन एनी चैलेंज। सो गाइस, तब तक के लिए आप सभी को व्यूज ऑफ यू के तरफ से बहुत सारा प्यार, धन्यवाद।